हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ट्यूटर्स। आज हम एलिजाबेथन एज के एक फेमस राइटर एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए एडमंड स्पेंसर के बारे में जानते हैं। एडमंड स्पेंसर वाज बॉर्न इन 1552-53 एट द ईस्ट स्मिथफील्ड नियर द टावर ऑफ लंडन। एडमंड स्पेंसर का जो जन्म है, अप्रॉक्सीमेट डेट इनके जो ईयर है, बर्थ ईयर है, वो 1552 है। वो ईस्ट स्मिथफील्ड जो टावर ऑफ लंदन के पास है वहाँ पे हुआ माना जाता है। ही वॉज डाइड इन 1599 एंड बरीड बिसाइड चौसर्स इन द पोइट्स कॉर्नर ऑफ द वेस्ट मिनिस्टर एबी। इनकी जो मृत्यु है वो मानी जाती है कि 1599 में हुई थी, और इनकी जो ग्रेव है वो चौसर के साथ बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? जो वेस्ट मिनिस्टर एबी में पोइट्स कॉर्नर है वहाँ पर इनकी ग्रेव बनाई गई है। He was best known for Fairy Queen, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I. तो एडमंड स्पेंसर बेसिकली जाने जाते हैं अपनी बड़ी ही अच्छी क्रिएशन द फेरी क्वीन के लिए, जिसको एक एपिक पोइम भी माना जाता है। यह एक फैंटास्टिकल एलेगरी भी है जिसमें इन्होंने टूडर डायनेस्टी के बारे में बताया है। स्पेंसर यूज अ डिस्टिंक्टिव वर्स फॉर्म कॉल्ड स्पेंसियन स्टैंजा। स्पेंसर ने एक अपनी फॉर्म भी इजाद की है, फॉर्म भी अपनी एक बनाई है जिसे हम स्पेंसियन स्टैंजा के नाम से जानते हैं। द स्टैंजाज मेन मीटर इज एम्बिक पेंटामीटर विद एंड द राइम स्कीम इज ए बी ए बी बी सी बी सी सी। तो इसमें एम्बिक पेंटामीटर है स्पेंसियन स्टैंजे में, और इसकी जो राइम स्कीम है वो भी बताई गई है। स्पेंसर वाज कॉल्ड पोइट्स पोइट बाय चार्ल्स लैम ने इनको पोइट्स पोइट कहा था। स्पेंसर्स पोइट्री इज करेक्टराइज्ड बाय सेंसियसनेस एंड स्प्लेंडेड इमेजिनेशन एंड परफेक्ट मेलोडी। इनकी ये पोइट्री की खासियत है, स्प्लेंडेड इमेजिनेशन इनकी खासियत है, परफेक्ट मेलोडी इनकी खासियत है। द शेपर्ड्स कैलेंडर इज एडमंड स्पेंसर्स फर्स्ट मेजर वर्क विच अपीयर्ड इन 1579। तो जो एक शेपर्ड्स कैलेंडर इनका फर्स्ट मेजर वर्क है जो अपीयर हुआ 1579 में। द शेपर्ड्स कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 12 इकोलॉग्स। इस क्रिएशन में, शेपर्ड्स कैलेंडर में 12 इकोलॉग्स हैं। इट एमुलेट्स वर्जिल्स इकोलॉग्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसीई एंड द इकोलॉग्स ऑफ मेंटुआन बाय बैप्टिस्टा मेंटुआन अ लेट मेडिवल अर्ली रेनेसेंस पोएट। तो इन्होंने एमुलेट किया, इन्होंने इंटीमेट किया वर्जिल के इकोलॉग्स को, और मेंटुआन बैप्टिस्टा मेंटुआन की जो क्रिएशन थी उसको इंटीमेट किया है स्पेंसर ने। द शेफर्ड्स कैलेंडर इज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। जो ये शेफर्ड्स कैलेंडर है वो डेडिकेट किया गया फिलिप सिडनी को। एडवर्ड किर्क वाज द कमेंटेटर इन द शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर है जो, उसमें कमेंटेटर कौन थे? वो एडवर्ड किर्क थे। स्पेंसर्स मास्टरपीस इज द एपिक पोइम द फेरी क्वीन। जो इनका मास्टरपीस माना जाता है वो इनकी एपिक पोइम मानी जाती है फेरी क्वीन। द फर्स्ट थ्री बुक्स ऑफ द फेरी क्वीन वर पब्लिश्ड इन 1590। जो फेरी क्वीन की फर्स्ट थ्री बुक्स हैं वो 1590 में पब्लिश हुई थी, एंड अ सेकेंड सेट ऑफ थ्री बुक्स वर पब्लिश्ड इन 1596। और अगली जो तीन बुक्स थी वो 1596 में पब्लिश हुई थी। स्पेंसर ओरिजिनली इंडिकेटेड दैट ही इंटेंटेड द पोइम टू कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, सो द वर्जन ऑफ द पोइम वी हैव टुडे इज इनकम्प्लीट। तो इसमें बताया गया है कि स्पेंसर ने जो टोटल पोइम्स इंटेंड की थी वो 12 थी, और फेरी क्वीन आज तक क्या है? इनकम्प्लीट है। Despite this, it remains one of the longest poem in English literature. Although ये incomplete poem है, but English literature में longest जो poems हैं उनमें से एक poem है ये। It is an allegorical work, can be read on several levels of allegory, including a praise of Queen Elizabeth I. ये एक allegorical work है जिसको अलग अलग जो अलेगरी के लेवल्स हैं उनके साथ रीड किया जा सकता है। इसमें क्वीन एलिजाबेथ वन की प्रेस भी की गई है। स्पेंसर पब्लिश्ड न्यूमेरियस रिलेटिवली शॉर्ट पोइम्स इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 16th सेंचुरी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच कंसीडर लव और सॉरो। स्पेंसर ने जो 16th सेंचुरी के लास्ट में
बहुत सारी पॉइंट्स थी वो क्या लिखी थी, जो जो पॉइंट ज़्यादातर किसके साथ रिलेटेड थी, प्यार के साथ, सौरव के साथ रिलेटेड थी। इन 1591 ही पब्लिश्ड कंप्लेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सप्रेस कंप्लेंट्स इन मॉर्नफुल और मॉकिंग टोन्स, उनकी एक और क्रिएशन थी कंप्लेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिसका नेम था, जो पब्लिश हुई 1591 को। टोटल पोइम इन कंप्लेंट्स आर 9, कंप्लेंट्स में टोटल 9 पॉइंट्स हैं। फोर ईयर लेटर इन 1595 स्पेंसर पब्लिश्ड अमरती एंड एपिथेलमियन, स्पेंसर ने 1595 में अमरती और एपिथेलम पब्लिश किए। अमरती वाज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ एलिजाबेथ बॉयल, अमरती जो थी तो उसने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट की थी। देयर आर 89 सोनेट्स इन द अमरती, 89 टोटल क्या है सोनेट्स हैं। मीनिंग ऑफ अमरती इज लव पोइम, अमरती का जो मीनिंग है वो लव पोइम है। एपिथेलमियन 1995 सिमिलर टू अमरती डील्स इन पार्ट विद अनईज इन द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, अमरती की नकल बोल दो या अमरती के सिमिलर थी ये वाले एपिथेलमियन, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो थे या रोमांस को दिखाती थी। इट वॉज रिटन फॉर हिज वेडिंग टू हिज यंग ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, ये एक बेसिकली वेडिंग सॉन्ग था जो उसकी ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था उसने। स्पेंसर रिलीज प्रोथेलमियन, अ वेडिंग सॉन्ग रिटन फॉर द डॉटर्स ऑफ अ ड्यूक एलएचडी इन होप्स टू गेन फेवर इन द कोर्ट, स्पेंसर ने प्रोथेलमियन लिखा था, उसका जो ड्यूक था उसकी सिंपथी गेन करने के लिए या अपने कोर्ट में अपना हक जताने के लिए ये वाला, उसकी जो डॉटर थी उनकी शादी के ऊपर ये वाला प्रोथेलमियन लिखा था। प्रोथेलमियन वाज रिटन ऑन द मैरिज ऑफ कैथरीन एंड एलिजाबेथ, जो ड्यूक था वहाँ का, अर्ल ऑफ वर्केस्टर उसका नेम था, तो उसकी बेटियों की जो शादी थी कैथरीन और एलिजाबेथ की, उसके ऊपर ये वाला प्रोथेलमियन लिखा गया था। सार्कासम टर्म वाज यूज फर्स्ट टाइम इन फेरी क्वीन, स्पेंसर ने सार्कासम टर्म यूज की थी फेरी क्वीन में। मदर हबर्ड्स टेल इज द बेस्ट पोइम फ्रॉम कंप्लेंट कलेक्शन ऑफ पोइम, कंप्लेंट कलेक्शन की सबसे बेस्ट पोइम कौन सी थी, मदर हबर्ड्स टेल। अब मदर हबर्ड्स टेल का जो सब टाइटल था वो क्या था, प्रोसोपोपोइया, अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड वॉज पब्लिश इन 1598, एक इनकी और क्रिएशन पब्लिश हुई थी 1598 में, अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। टीयर्स ऑफ म्यूसिस वॉज डेडिकेटेड टू अलाइस स्पेंसर, एक और इनकी रचना थी टीयर्स ऑफ म्यूसिस, वो किसको डेडिकेट थी, अलाइस स्पेंसर को। तो स्पेंसर के कुछ फेमस नेम्स थे, फर्स्ट द इंग्लिश वर्जिल इनको बोला जाता था, द प्रिंस ऑफ पोइट्स इनको बोला जाता था, सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी इनको बोला जाता था, मुलाज बार्ड भी इनको बोला जाता था, द सन राइट ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी इनको बोला जाता था। स्पेंसर वाज एसोसिएटेड विद द एरोपैकस, एरोपैकस एक लिटरेरी क्लब था जिसके साथ स्पेंसर जुड़े हुए थे। होप कि ये वाली जो नॉलेज है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मास्टर कैडर पंजाब की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है श्योर सक्सेस, उसको ज्वाइन करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल्स हैं विंग्स ट्यूटर्स एंड श्योर सक्सेस विद प्रीति गिल, इनको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।